अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सस्याकाल केम शो पजामा। कैसे हैं आप सब लोग? ये तुम कर रहे हो ना, ऊपर लग रहा है इसलिए। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, सोफे के गद्दे का कवर चढ़ा रहे हैं। पसीना पसीना हो गए तुम। ये मैं खाना बना रही हूँ, दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये मेरी मच्छी फ्राई हो रही है और इसके साथ मैंने खिचड़ी बना ली है, दाल चावल नहीं बनाए। ये देखो, ये अपनी कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा है साहिल, और ये कुछ कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। आज हम खाने वाले हैं खिचड़ी बांगड़ा मच्छी फ्राई। मैंने रात से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया, सुबह टाइम मिलता नहीं मिलता है, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है सोफे का कवर चढ़ाने में। हालत ख़राब हो गई। हाँ अभी वो फर्स्ट टाइम आपको निकाले ना, इसके लिए अभी आदत पड़ जाएगी, नहीं तो समझ में आएगा या तो कुछ उधर लिख देंगे, मार्कर से नंबर लिख देंगे। मैं मिलती हूँ आपसे खाने के दफ्तर पे। अल्लाह हाफिज। हो गया ना हमारा खाना, रेडी हो चुका है और हम खाने के लिए बैठ रहे हैं। उन लोगों का खाना हो गया, हम खाना खाने बैठे, आप सब भी आइए खाना खाने के लिए। क्या हो गया? हो गया है और है, रखी हूँ मच्छी तलने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट सुबह में इंशाल्लाह। हाँ मच्छी फिश करेगा। ये देखिए ओवेस खड़ा है, बैठ जा। आफरीन दीदी बोलती है कि तू व्लॉग में अच्छे बातें करता है, तेरे को बहुत पसंद कर रही तेरी आफरीन दीदी। थैंक यू। अपने लोग को बहुत बुला रही है घर पे वो। ये देखिए हमारा खाना माशाल्लाह। आफरीन हम लोग सैटरडे को ज़रूर पक्का शाम में आने वाले हैं, तेरे चाचू ने बोल दिए हैं हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। बहुत याद करती है बच्ची हम लोगों को। क्या कर रही रहा है? स्कूल लेके जाने के लिए जैम ब्रेड लगा रही है। ओवेज रेडी हो रहा है और ये लक्की चाय। सलाम करो। अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। कितने दिन के बाद? 20। 20 दिन के बाद। चलो ठीक है, रेडी। जा जल्दी, टाइम हो गया। तो गाइस मैं स्कूल से आ चुका हूँ। खाना बना रहा हूँ। क्या बना? खाना मच्छी का सालन। मच्छी का सालन। तेरी मम्मी की मच्छी के सालन की रेसिपी बता दो। नहीं रे बाबा, अभी बहुत लेट हो रहा है। अल्लाह बहुत लेट हो रहा है, अरबी पढ़ने का है, बनने वाले अरबी पढ़ने का है। और आपको दिखाता हूँ, उर्दू भी नहीं लिखा यार। मुसाफिर और रहमान का नसाफिर हसरत। चलो मिलते हैं अरबी पढ़ने के टाइम। आई एम बैक। मैं आपसे डायरेक्ट दोपहर में मिल रही हूँ। सुबह में देखे आप लोगों ने बच्चे स्कूल के लिए कैसा रेडी हुए, उठे तैयार होके गए, टिफिन में जैम ब्रेड लेकर गए थे। और अभी ये लोग आ गए हैं, खाना वाना खा चुके हैं। लोगों की अरबी आज शाम में है, हाफिज जी को कुछ काम था और ये लोग खाना वाना खा चुके हैं। मेरा खाना बाकी है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। पलटता क्यों नहीं? ये देखो ये होमवर्क कर रही है और ये भाई साहब लेटे हैं। और चलिए मैं खाना खाती हूँ, क्या पता नहीं क्या क्या दिखता है। और आज हमने खाने में बनाए हैं सूखी दाल और चावल। रोजो समझ में नहीं आता कि क्या बनाने का। ये सूखी दाल क्यों तू नहीं खाया? और ये चावल। और अब मैं खाना खाती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये बोलता वापस मेरे साथ खाएगा। चल चल आ दस्तर बिछा। आइए आप सब भी खाना खाने के लिए। ये टी शर्ट नहीं पहना है कल। आइए आप सब भी खाना खाने के लिए। हो गया है असर का टाइम।
और ये देखो ये ट्यूशन जाने के लिए उठ नहीं रहा है। लड़के उठ, देख सब देख रहे तेरे को। ए लड़के, वो ज्यादा सताने लग गया है। और मेरी शाम की चाय भी रेडी है, ये देखिए। उठ जाओ वेश जल्दी, ट्यूशन का टाइम हो रहा है और अजान भी हो गई है असर की। अभी चाय के साथ मैं खाऊंगी बटर, मुझे लग रही है भूख। खाना खा लिए थे 2:30 बजे, लेकिन भूख लग रही है। और चाय पी के इसको रहे ट्यूशन छोड़ने चलते हैं। नौटंकी कर रहा है यहाँ बैठ के। मैंने चाय वाय पी चुकी हूँ शाम की, और मेरे कबर्ड के थोड़ा सा सामान मुझे सही करना है, तो चलिए साफ करते हैं। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कबर्ड का सामान, एकदम कितना भी साफ करो खराबी कर देते हैं। देखिए ये सब तितर बितर हुआ है, ये सब तितर बितर हुआ, तो साफ करना है। कबर्ड तो मैंने अभी साफ करी थी, फिर बच्चे में ऐसे ही ख़राब कर देते हैं लोग, तो चलिए कबर्ड साफ करते हैं। मैं लेके बढ़ गई हूँ ये सारे पसारे, देखिए आप ये पूरे पसारे हैं। इसमें कान का चूड़ी लिपस्टिक सब मिक्स है। और ये मेरा रेड वाला चूड़ा है जिसकी हालत बड़ी खस्ता है, इसको भी सही करेंगे। और ये मेरा चूड़ी का बक्सा, ये देखिए इसमें कुछ चूड़ियाँ डालेंगे। ये मुझे पिछले साल मेरे बर्थडे पे दिल्ली से गिफ्ट आया था, इनका फ्रेंड है वो दिया था। और ये सब इसमें कान के हैं, खुल जा। ये इयर रिंग्स मेरे शौहर ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किए थे, बहुत प्यारा है ये, इसकी जोड़ी टांगे यहाँ है, बहुत खूबसूरत, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। मेरे शौहर को इतना आइडिया नहीं आता है कि गिफ्ट वगैरह क्या देने का, लेकिन मेरे 2-3 साल से थोड़ा बहुत सीख गए। पहले तो मेरे तबस्सुम को लेके जाते थे क्या गिफ्ट लेना है, चल रहा है। और जैसे कि आपने देखा इस बार उन्होंने गोल्ड का बैंगल्स ही, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, वो सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए अभी ये सब पहले सब अलग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। फाइनली मैंने सब सेटअप कर ली हूँ, सब बराबर जोड़ी से ढूंढ ली हूँ, लगा दी हूँ। और मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरे ईयरिंग्स के कलेक्शन, बैंगल्स के कलेक्शन, थोड़ी बहुत लिपस्टिक है। लिपस्टिक बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, तो ख़राब होने की वजह से मैंने फेंक दी हूँ। अभी जब मैं जाऊँगी तो लूँगी। और जो ब्रशेश वगैरह हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ दिखाना। ये गोल्ड का नेकलेस है मेरे पास, इसकी ईयरिंग्स और मांग टीका नीचे है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ग्रीन और गोल्डन है, ये मैंने रमज़ान में ली थी। और ये आप देखिए मेरा बैंगल्स का कलेक्शन, ये देखिए हर ड्रेस पे की मैचिंग का है। और ये जो ग्रीन वाला है इसमें मैं येलो लगाने वाली हूँ, जो कि मुझे हल्दी मेहंदी के टाइम पहनने के लिए काम आएगा माशाल्लाह से। और ये देखिए मेरे कलेक्शन, ये है लिपस्टिक का, थोड़ी बहुत जो भी है, ये छोटी छोटी वाली मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है। और ये देखिए और ये मेरा रेड चूड़ा, ये मेरी ब्लैक वाली चूड़ी, मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बहुत पसंद है। ये ब्लैक वाला इयररिंग्स मुझे मेरी नाहिद ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टूट गया है, ये देखिए ये टूट गया है, लेकिन मैं फिर भी नहीं इसको हटाती हूँ क्योंकि उसने बहुत प्यार से मुझे दी थी। ये वाला मांग टिके के साथ है, जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहनी हूँ। ये मेरी बेटी का है, ये भी मेरी बेटी का है, ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, ये खूब बहुत खूबसूरत है। देख आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लैक के कलेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद आता है। और हर तरीके के इयररिंग्स से छोटे बड़े माशाल्लाह देखे। और ये मेरी बेटी का, उसको ऐसे ब्रश मेकअप का बहुत शौक है, ये देखिए आप। और ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे डब्बे रखी हूँ मैंने, ये जो डब्बे है ना, ये इस तरह के छोटे छोटे डब्बे, तो जो छोटे छोटे इयररिंग्स वगैरह है, टब्स वगैरह है, मैं इसमें रख देती हूँ, तो ढूंढने के टाइम या पहनने के टाइम कहीं जाना हो तो आसानी से मिल जाता है। इसमें रख के एक के ऊपर एक मैं करके रख देती हूँ। और यहाँ ये थोड़े बहुत पसारे पहले है, ये भी मेरे यूज़ के,
डेली यूज के हैं, मैं बदल बदल के पहनते रहती हूँ। तो ये मेरे कलेक्शन कैसे लगे आपको मुझे बताना, अभी तो शादी वगैरह में और लेना है, तो कैसे लगे आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए अब ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपने देखा कि मैंने मेरे जो कलेक्शन थे वो दिखाया आपको, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। गुड नाइट। शब्बा खैर।